मित्रों, अपने दीनदयाल के ऊपर दो प्रश्न बनाए थे कि राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन पंडित दीनदयाल आइडिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म एंड वन इंडिया, पेपर वन के लिए, एंड पेपर फोर के लिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म धर्म और आधुनिक भारत के निर्माण में इसका क्या महत्व है, चर्चा कीजिए। आई होप आपने इसके जवाब लिखे हैं, नहीं लिखे तो वीडियो 8-8 मिनट के लिए पॉज करें और फिर आगे बढ़ें। दीनदयाल का जन्म हुआ 25 सितंबर 1916, इसलिए अभी क्या है, 150वीं जन्म जयंती है, देयर फॉर बिकम्स लिटल मोर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम। अब इनके कोई भी जॉब का इंट्रोडक्शन लिखना है तो ऐसा नहीं कि यहाँ यूपी के इस गांव के अंदर जन्म हुआ था, माँ का नाम ये था, बाप का नाम ये था, नहीं, वो क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन में स्टेडियम के बाहर से आपने बॉलिंग शुरू की, आपने पिच के करीब रह के ही करना है। तो मतलब दीनदयाल का जो भी चीज़ लिखना है, उसने जब से कैरियर शुरू किया वहीं से उसके बायोडेटा का ओरिजिन करिए आप। वो इन द ईयर 1955 आरएसएस के साथ जुड़ते हैं, वहाँ के फाउंडर के बी हेगड़ेवार वो दीनदयाल को एक प्रचारक के रूप में भूमिका देते हैं। कुछ वर्षों बाद भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी करते हैं, और उन्होंने दीनदयाल जी को बोला कि भाई आप यहाँ पर आ जाइए। दीनदयाल को यूपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया, आगे चल के अच्छा काम करते हैं देख के प्रमोशन किया, ऑल इंडिया लेवल जनरल सेक्रेटरी बनाया, और कांग्रेस के खिलाफ एक कैडर बेस्ड पार्टी के रूप में भारतीय जनसंघ को आगे लाने में उन्होंने प्रखर भूमिका निभाई थी। आगे चल के इन द ईयर 1968 इनकी हत्या कर दी जाती है। कुछ वर्षों बाद ये भारतीय जनसंघ से बीजेपी 1980 में बनता है, और आगे चल के फिर अपनी मोदी सरकार, और तब ये दिखाया जाता है कि भाई हमारा जो भी विचारधारा है उसके बेस में ये दीनदयाल की सारी बातें हैं, एंड अकॉर्डिंगली उसे रिवाइव करने के लिए ग्राम ज्योति, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल कौशल विकास योजना वगैरह वगैरह चलता है। और क्योंकि दीनदयाल इन सब संस्थाओं के साथ जुड़े थे, तो उनकी जो भी न्यूज़पेपर पत्रिकाएं थी उनका एडिटर का भी काम करते थे, वहाँ आर्टिकल लिखते थे। सो ही वॉज एडिटर जर्नलिस्ट ऑफ पंचजन्य, स्वदेश और चंद्रगुप्त और अखंड भारत, इन विषयों पर भी उन्होंने अलग से किताबें लिखी हैं। ठीक, अब उनके विचारों को समझने के प्रयत्न करते हैं। दीनदयाल ने ये प्रश्न पूछा कि हमें अब आज़ादी मिल गई है तो हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्या हम साम्यवाद का स्वीकार कर लें, सोशलिस्ट बन जाए, कैपिटलिज्म अपना लें, राष्ट्रवादी बन जाए, या और एकदम रेडिकल हिंदुत्ववादी या ऐसा कुछ करें, उन्हें ये प्रश्न हुआ। और फिर उसके अवलोकन में उन्हें पता चला कि जैसे सांप और नेवला एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन कांग्रेस एक ऐसा जादुई बक्सा है कि जहां पर आपको कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट हर एक प्रकार के लोग आ जाएंगे, क्योंकि सबको पावर चाहिए, सबको मिनिस्टर बनना है। और उसके विपरीत कांग्रेस के जो विरोधी तत्व है, फॉर एग्जाम्पल इन केरला इलेक्शन ही फाउंड कि भाई जैसे कि मुस्लिम जमींदार, मतलब एक प्रकार से वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट होगा, वो भी कम्युनिस्ट के साथ जुड़ जाते हैं या सोशलिस्ट के साथ, ताकि कांग्रेस मुक्त केरला और वहाँ अपनी सरकार और वहाँ पावर और कंट्रोल मिल जाए। भारत के अंदर उन्होंने पाया कि अपनी ये कोई विचारधारा या आइडेंटिटी तो है ही नहीं, देर इज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म रादर देन जेन्युइन कंसर्न फॉर नेशन बिल्डिंग। और इसके चलते भारत के अंदर अपने जो दुश्मन है, ये उग्रवादी, अलगाववादी और विदेशी, अपने पाकिस्तान, चीन जैसे दुश्मन हैं, वो सब अपने भारत को तोड़ देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म भारत के अंदर ज़्यादा है। हर एक आदमी अपने को किसी रिलीजन, रीजन, स्टेट, पार्टी, इस हिसाब से आइडेंटिफाई करता है। दीनदयाल सेड कि भारत जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उस वक्त, उसकी मूल कारण क्या था कि हमारे पास कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं है। सो देन ही स्टार्ट राइटिंग एंड प्रीचिंग कि भारत की नेशनल आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, एक इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जिसके बेस में धर्म हो, और वन इंडिया जिसके बेस में भी धर्म हो। अब एक एक करके समझते हैं। देखिए, हमें केवल परीक्षा पास करनी है तो जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, छिछोरपंती करके भी रट्टा मारो जिंदाबाद, तो प्रयत्न करते हैं। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मतलब ऋतिक रोशन, समझते हैं। दीनदयाल ने यह बोला कि मैन इज द हाइएस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, लेकिन वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है, वो अलग अलग संस्थाओं का सदस्य है, ही इज अ मेंबर ऑफ मैनी इंस्टीट्यूट्स। जैसे कि वो स्कूल में पढ़ता है तो वो स्टूडेंट हो सकता है, पढ़ाता है, शिक्षक हो सकता है, तो स्कूल एज एन इंस्टीट्यूट का ये मेंबर हो गया। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूट, तो उसमें वो पति या पत्नी हो सकता है। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूट, तो वो ऋतिक रोशन सबका बाप हो सकता है, भाई, चाचा, भतीजा। कंपनी एज एन इंस्टीट्यूट, तो उसके अंदर वो कंपनी का एक एम्प्लॉई सीईओ हो सकता है। सो ही इज अ मेंबर ऑफ मैनी इंस्टीट्यूशन, और उसे इस प्रकार से बिहेव करना है ताकि इन एक भी रोल में वो कन्फ्लिक्ट ना करे और वो सस्टेन, कॉम्प्लीमेंट करे, यूनिफाई करे, इन सभी रोल को हमने ऐसे कुछ करना है। देयरफॉर स्टेट, सोसाइटी, इकोनॉमी, उन्होंने इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ का निर्माण होना चाहिए ताकि आदमी हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर अपना रोल अच्छी तरह से निभा सके और ये सभी इंस्टीट्यूट एक साथ कॉम्प्लीमेंट होके, यूनिफाई होके अच्छा काम कर सके, एंड यूजिंग धर्म एज अ फाउंडेशन। वापस एक बार व्याख्या समझते हैं। इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का मतलब क्या है? स्टेट, सोसाइटी, इकोनॉमी, उन्होंने धर्म को फाउंडेशन बनाकर
ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए ताकि जो आदमी है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपना रोल अच्छी तरह से निभा सके, सबको सस्टेन कर सके, यूनिफाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें स्कूल के अंदर, तो पहले के ज़माने में प्रिंसली स्टेट्स और गुरुकुल के अंदर फ्री एजुकेशन दिया जाता था, तो उसी प्रकार आधुनिक भारत में भी उसकी आवश्यकता है। हम बात करें धर्म की, तो हाँ रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल तिरुपति एज एन इंस्टीट्यूट आप कहें, तो गरीब आदमी अंदर नहीं जा सके क्यों, ये बोल के कि भाई एंट्री के लिए आपने एक टिकट लेनी होगी, तो वो भी एक प्रकार से इंटीग्रल ह्यूमेनिज्म के खिलाफ जाएगा, ऐसा दीनदयाल ने कहा है। तो मतलब रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए एंड एंट्री फॉर ऑल इनटू द रिलीजियस इंस्टीट्यूट, ये भी होना चाहिए। उसी के आगे चल के मतलब अनटचेबिलिटी, डॉरी, इस प्रकार की सभी चीज़ों को खत्म करना चाहिए। ऋतिक रोशन ने पढ़ाई कर ली, नाउ ही वॉन्ट्स टू डू सम जॉब और एंटरप्रीनियरशिप, सो देर शुड बी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, समान अवसर सबके पास उपलब्ध होने चाहिए, इस प्रकार का स्टेट और इकोनॉमी ने प्रावधान करना चाहिए अंडर द इंटीग्रल ह्यूमेनिज्म। तो स्वाभाविक है मतलब कि लाइसेंस राज नहीं होना चाहिए और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, इन सब पे फोकस होना चाहिए। मशीन का प्रयोग करना चाहिए बट वर्कर को निकालने के लिए नहीं, उसे और कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहा है व्यक्ति, तो जैसे मास्लो की हायरार्की में एकदम ऊपर था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेम भी यहाँ पर भी आदमी जो काम कर रहा है उसे उसे इंटेलेक्चुअल पीस, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए ताकि रात को सोने के लिए उसे कोई दवाइयाँ ना खानी पड़े। सो दिस इज ऑल इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, स्टेट, सोसाइटी, इकोनॉमी, इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करें कि हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर आदमी ठीक से काम कर सके, अपना रोल अदा कर सके और सभी इंस्टीट्यूट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, यूनिफाई करे, दैट इज इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। अब प्रश्न कि इस प्रकार का इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म वो कैसे हम बना सके, क्या कैपिटलिज्म लाने पर ये हो जाएगा? दीनदयाल कहते हैं शक्य नहीं, बिकॉज कैपिटलिज्म के अंदर आपको डेमोक्रेसी मिलती है, ब्रेड मिलती है, इंडिविजुअल फ्रीडम, हाँ वो तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इट ऑल्सो लीड्स टू कि अमेरिका के अंदर आप पाएंगे देर आर ब्रोकन फैमिलीज, अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, सुसाइड, डिप्रेशन, ये सबसे वो लड़ते रहते हैं। सो इंटेलेक्चुअल पीस इज मिसिंग, क्योंकि आप कंपनी में काम करते हैं तो बस कॉम्पिटिशन एंड स्लेवरी एंड टारगेट एंड अचीवमेंट, ये ही सब कुछ चलता है। पश्चिमी जगत के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी इज लेस, इसलिए वहाँ के लोग, वहाँ के इकोनॉमिस्ट वो हमेशा मशीन बेस्ड इकोनॉमी, कैपिटल इंटेंसिव, मशीनरी इंटेंसिव, वो उन्हें अच्छा लगता है। दे सी मशीन्स एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मैन रादर देन अ कॉम्प्लीमेंट। तो भारत के अंदर ये मशीन को इस प्रकार से नहीं लाना चाहिए, अदरवाइज इट विल हर्ट आवर पुअर पीपल। मशीन लाने चाहिए बट इस प्रकार से कि वो कॉम्प्लीमेंट करे, व्यक्ति को रिप्लेस ना करे। एंड विद इन दिस कैपिटलिज्म हम पाते हैं कि प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही उसकी डिमांड जनरेट की जाती है, प्री ऑर्डर, एडवर्टाइजमेंट, और जो जिस प्रकार से ये उत्पादन के अंदर रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, प्रकृति के लिए, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। तो ऑल इन ऑल दीनदयाल ये कहते हैं कि भाई इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के लिए ये कैपिटलिज्म मूढ़िवाद उपयुक्त बेस नहीं है। तो फिर क्या कम्युनिज्म ये उसका उपयुक्त बेस होगा? दीनदयाल उसकी भी ना कहते हैं कि यहाँ पर साम्यवाद में फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है। अगर आप उनके जो भी लेनिन, मार्क्स, किसी के खिलाफ कुछ लिखेंगे तो आपको तुरंत लेबर कैंप के अंदर भेज दिया जाएगा फॉर रीट्रेनिंग, रीओरिएंटेशन। तो मतलब जो जमींदारों की या राजाओं की डिक्टेटरशिप थी उसको बदल के अब साम्यवाद में कामिसार्स, ब्यूरोक्रेट्स, इनकी डिक्टेटरशिप आ जाती है, जहाँ पर आपको ना ब्रेड मिलती है ना वोटिंग राइट। और भारत के अंदर इस प्रकार से साम्यवाद को लाया गया तो वो प्रागमेटिक नहीं होगा, इट वुड बी रादर रिएक्शनरी टाइप ऑफ सॉल्यूशन कि ये गलत है तो जो भी बाहर का है वो कुछ लेके आओ। भारत के लिए साम्यवाद उपयुक्त तो नहीं है। तो क्या हम सोशलिज्म, समाजवाद लेके आए? अगेन दीनदयाल से कि यहाँ पर भी फ्रीडम और डिग्निटी नहीं है, बिकॉज जैसे साम्यवाद में डिक्टेटरशिप ऑफ कामिसर है, यहाँ पर डिक्टेटरशिप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसर सब कुछ डिसाइड करते हैं, लाइसेंस, कोटा, इंस्पेक्टर राज, तो इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रमोट नहीं करता, मैन बिकम्स मियर कॉग इन द मशीन। और यूके के अंदर भी लेबर पार्टी पहले कहती थी कि सोशलिज्म चाहिए, बट आजकल वो भी समझ गए हैं और इतनी पुरजोर से उसका प्रचार नहीं करते हैं। सो देयरफॉर सोशलिज्म भी भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा दीनदयाल कहते हैं। तो फिर क्या हम राष्ट्रवाद अपना ले? अगेन दीनदयाल इसका भी विरोध करते हैं कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, इट इज़ अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, क्योंकि हिटलर, मुसोलिनी, इन सब ने भी डेमोक्रेसी को लिप सर्विस दी, राष्ट्रवाद हमें चाहिए, हमारे देश को आगे बढ़ाना है, ऐसा करके उन्होंने जो जो काम किया, अल्टीमेटली लीड टू द वर्ल्ड वॉर। देयरफॉर राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, इट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। सो ऑल इन ऑल दीनदयाल ये कहते हैं कि इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म तो महत्वपूर्ण है, लेकिन वो पश्चिमी कोई भी विचारधारा जैसे कि साम्यवाद, समाजवाद, मूढ़िवाद, राष्ट्रवाद, इनके बेस बना के उसे नहीं ला सकते, बिकॉज दिस थिंग्स दे डोंट हैव देयर यूटिलिटी इन ऑल यूनिवर्सल टाइम एंड स्पेस।
रशियन क्रांति वो आपको 1970 में जोरदार लगे, आज की तारीख में हो सकता है वो टाइम के हिसाब से रेलेवेंट नहीं रही। अमेरिका का कैपिटलिज्म आपको जोरदार लगे, बट वही जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क आप भारत के अंदर लाएंगे तो स्पेस के हिसाब से इट इज़ नॉट यूनिवर्सल। तो मतलब इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, एकात्म मानव दर्शन, वो ये पश्चिमी विचारधारा के ऊपर नहीं बनना चाहिए, उसका फाउंडेशन क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए। धर्म के ऊपर एकात्म मानव दर्शन की स्थापना होनी चाहिए, समझते हैं? धर्म, उसके बारे में अब दीनदयाल पोता अपने विचारधारा स्पष्ट करते हैं कि धर्म क्या है। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं है। ही सेज इट इज अ वे ऑफ इंटीग्रेटेड लाइफ, इट इज दे आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड लाइफ। जैसे स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है उसी प्रकार मंदिर मस्जिद में धर्म को पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे स्कूल के अंदर हमें पता है एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट कि 50% ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट्स आर अनेबल टू रीड क्लास 2 टेक्स्ट बुक्स, उसी प्रकार ये स्कूल मंदिर मस्जिद नाम की स्कूल में जाने वाले सभी लोग धर्म का सही अर्थ गठन नहीं समझ पाते, ऐसा भी दीनदयाल बोलते हैं। पश्चिमी चिंतक भी धर्म का सही मतलब नहीं समझ पाए। वो लोग भारत का धर्म तो उसका ट्रांसलेशन करते हैं रिलीजन, लेकिन अपना ही जो चीज़ है वो रिलीजन नहीं है। उनकी क्रिश्चियनिटी दे ट्रांसलेट दैट थिंग टू रिलीजन, और उसी के चलते होली वॉर्स, क्रूसेड, ये सब चीज़ें चली। तो वो धर्म का इस प्रकार का अर्थघटन वो हमें युद्ध और पतन की ओर ले जाएगा। अवर इंडियन धर्म जो है इट इज़ नॉट लाइक रिलीजन जो वेस्टर्न है। इट टचिज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ और हारमोनी यूनिटी इसके ऊपर ये स्ट्राइव करता है। हारमोनी कहाँ पर? बिटवीन मैन, नेचर एंड स्पिरिट। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, तो अब मारपीट के आप ये पूरी चीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्लाइमेट एक्शन उसके साथ जोड़ सकते हैं, हमें तो केवल पैराग्राफ लिखना है। उसी प्रकार हारमोनी भाई भाई के बीच, देश देश के बीच, राष्ट्र मतलब फेडरल कंट्री, यूनियन और स्टेट के बीच, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच, तो ये सब कुछ को ये इनकरेज करता है। जैसे कि भाइयों के बीच भी लड़ाई भी हो सकती है और प्यार भी हो सकता है, तो वी इनकरेज लव एंड वी कंडेम दिस डिसअप्रूव दिस हेट्रेड। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पंचशील, ये सारी बातें भी दीनदयाल जस्टिफाई करते हैं। अगेन, कुछ भी मार पीट के हमने पैराग्राफ लिखना है और क्या। दीनदयाल ये कहते हैं कि धर्म तो ऊपर जो अर्थशास्त्र है उसके बेस में भी धर्म है, जिसके चलते गुड गवर्नेंस, एलपीजी रिफॉर्म, कॉरपोरेट गवर्नेंस, ये सब कुछ जस्टिफाई है। फॉर एग्जाम्पल, धर्म ये कहता है कि बीच का रास्ता, मिडल पाथ, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नेंस में आप लागू करें तो सरकार ने एकदम कड़क भी नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज लोग उसका रिवॉल्ट करेंगे, और एकदम ढीला ढाला लिबरलाइज भी नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज ये कश्मीर के अलगाववादी और ये सब फॉर्म में आ जाएंगे। उसी प्रकार मिडिल पाथ का मतलब ये है कि स्टेट ने सारे रिसोर्स को कंट्रोल भी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो बैलेंस ऑफ पेमेंट टाइप की क्राइसिस आ जाएगी, और एकदम सारा कुछ भी उदारमतवादी नहीं होना जाना चाहिए, अदरवाइज इट मे लीड टू सम अदर प्रॉब्लम। सो एलपीजी रिफॉर्म्स आर जस्टिफाई अकॉर्डिंगली। आगे बात, भूखा आदमी किसी भी प्रकार का पाप कर सकता है, देयरफॉर वेल्थ को क्रिएट करना चाहिए और सभी लोगों में उसे बांटना भी चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो धर्म हमें इसका रास्ता दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के अंदर जो भी मस्जिद, मंदिर, जैन के दरासर, इनका निर्माण हुआ तो वहां पर जो लोगों को मजदूरी में दिया गया उन्हें पैसा दिया गया। अपोजिट टू दैट, इजिप्ट में जब पिरामिड बनते हैं तो स्लेव पावर को यूज किया गया। सो व्हाट वी हैव डन इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन अ वे, कि मंदिरों का निर्माण करो लेकिन लोगों को मजदूरी मिल जाती है। उसे आप आगे खींच के जोड़ सकते हैं कि मनरेगा, फूड फॉर वर्क, ऑल दोज थिंग्स आर ऑल्सो जस्टिफाइड बिकॉज धर्म ऐसा करने को बोलता है। बिजनेस के अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड में ये माना जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो मतलब वहाँ वो ये सोचते होंगे कि ये पॉलिसी तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी होगा। हमारे धर्म ये है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट प्रिंसिपल, मतलब कि उसका कोई विकल्प नहीं है, जोड़ तोड़ के कुछ करना नहीं चाहिए। सो कॉरपोरेट गवर्नेंस वगैरह के अंदर भी ये सिद्धांत उपयुक्त है। अगेन, ऐसा करके आधुनिक भारत का निर्माण कैसे, तो मारपीट के आप पॉइंट फिट कर सकते हैं। दीनदयाल ये कहते हैं कि धर्म वो काम और आधुनिकता इसका भी विरोध नहीं करता है। पीस एंड प्लेजर इसको परसू करना चाहिए, यस, लेकिन ऐसा प्लेजर मतलब कि दारू पीने या ऐसा फिजिकल प्लेजर नहीं, सत्य और पुरुषार्थ से जो आनंद मिलता है उस प्रकार को फॉलो करना चाहिए। काम का भी विरोध नहीं करते दीनदयाल, उनका ये कहना है कि अगर नेचुरल डिजायर्स को सप्रेस किया जाए देन पर्सन विल बिकम परवर्ट, और जो खाना हेल्दी आदमी के लिए है वो उसे खाना चाहिए, अगर वो बीमार आदमी खाएगा तो वो और बीमार पड़ जाएगा। देयरफॉर जो प्रकृति का प्रवाह है उस हिसाब से चलना चाहिए, वो भी धर्म ही है। म्यूजिक, पेंटिंग, ये सब भी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, तो उनका भी विरोध नहीं करना चाहिए। आधुनिकता का भी विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन हारमनी चाहिए। दीनदयाल बताते हैं कि भाई समय का चक्र उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, और प्राचीन भारत में जो जो सभी चीज़ें जो थी
वो आज की तारीख में सातत्यपूर्ण नहीं है। तो मॉडर्निटी में जो अच्छी बातें हैं उसको हम एब्जॉर्ब करें, लेकिन ये नहीं कि पूरी सभी अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें उसको रिजेक्ट कर दे, अदरवाइज अ वैक्यूम विल बी क्रिएटेड, और उस वैक्यूम में फिर हम सारी फॉरेन चीज इंपोर्ट कर देंगे, कैपिटलिज्म और ब्रोकन फैमिलीज, अल्कोहलिज्म, सुसाइड्स, एवरीथिंग। सो देयरफॉर आधुनिकता को भी अपनाएं, लेकिन सारी अपनी पुरानी संस्कृति को भी दरकिनार नहीं करना है। इसे वो और आगे रिफाइन करके बताते हैं कि भारत के अंदर ये सेंचुरीज ऑफ ब्रिटिश रूल और आज़ादी के बाद भी ये विदेशों से फॉरेन एड और गेहूं मिलता है, वो सब खा पी के भारतीयों का दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। उन्हें भारतीयता के प्रति एक प्रकार से कंटेम्प है, विरोध है, और जितनी भी पाश्चात्य चीज़ें हैं वही सभी अच्छी हैं, उनके प्रति उन्हें बहुत आदर है। तो अल्टीमेटली हमें आज़ादी तो मिली लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहा, हमें नेशनल आइडेंटिटी वो कोई देखने को मिलती नहीं, और उसके चलते भारतीयों का जो रियल पोटेंशियल है उसे हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। देयरफॉर अपने खुद के कल्चर को प्रोटेक्ट भी करना है और उसे और मजबूत रिवाइटलाइज भी करना है, बट साथ ही साथ विदेशों से जो चीज़ आती है उसे अडोप्ट भी करना चाहिए। वेस्टर्न साइंस, तो साइंस हैज रेलेवेंस, इट इज रेलेवेंट इन बोथ टाइम एंड स्पेस, तो उसे आप अपनाइए, विज्ञान को अपनाइए, लेकिन पाश्चात्य सभी प्रकार की लाइफ एंड वैल्यूज वो भारत के लिए जरूरी नहीं है कि अच्छी होनी चाहिए, जो अच्छी हो उसे आप अपनाइए। लाइक दैट ही इज डिफाइनिंग हिज धर्म एंड एवरीथिंग। इंडिविजुअल धर्म को व्याख्यायित करने के बाद दीनदयाल अब धर्म राज्य की व्याख्या देते हैं कि धर्म राज्य क्या है। इट इज़ नॉट अ थियोक्रेटिक स्टेट, ऐसा नहीं कि हिंदू राज्य, इस्लाम राज्य, क्योंकि जिन भी लोगों ने इस प्रकार से देश बनाने की प्रयत्न किया वो खड्डे में चले गए, चाहे वो तुर्की के अंदर खलीफा के नाम पे राज करने वाले लोग हों तो विश्व युद्ध के बाद उनका पतन हो गया, या फिर कि पाकिस्तान का जो अब इस्लामिक स्टेट के रूप में निर्माण हुआ है तो वो भी खड्डे में चला गया है। सो दीनदयाल से कि धर्म राज्य का मतलब थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, बट साथ ही साथ ऐसा भी नहीं कि एकदम अथेस्ट निधर्म धर्म निरपेक्ष बन जाना है, क्योंकि वो फिर कम्युनिज्म की तरफ ले जाएगा जो इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म के लिए उपयुक्त नहीं है। तो मतलब धर्म राज्य वो ऐसा है जो कि सेक्युलर होता है, जहाँ पर कि हिंदू की हार्मनी, इस्लाम का ओबीडियंस, क्रिश्चियनिटी का कंपेंशन, इन सभी चीज़ों को मिला के उसे अच्छे अच्छे एलिमेंट्स बना के वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि विदाउट रिलीजन देयर कैन बी नो पीस, हैप्पीनेस और एनी प्रोग्रेस। साथ ही साथ धर्म तो वो कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, उन सब के बेस में होना चाहिए। तो भारत का जो संविधान है उसका बेसिक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल कि अपने फंडामेंटल राइट्स वहाँ पर कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो वो सारी बातें धर्म के साथ अनुकूल ही हैं, तो वो पीस को प्रमोट करती हैं। देयरफॉर धर्म राज्य वो बैक एंड में इन सबसे जस्टिफाई है। उसके विपरीत यूके पार्लियामेंट के बारे में ये कहा जाता है कि इट कैन डू एनीथिंग अंडर द सन एक्सेप्ट कि महिला को पुरुष बना दे और पुरुष को महिला बना दे। तो दीनदयाल कहते हैं कि इस प्रकार का एरोगेंस अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में आ जाएगा देन इट विल लीड टू रूइन ऑफ आवर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन देशों में ये बोला जाता है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, वो कोई गलत कर नहीं सकता, उसके पास डिवाइन राइट्स हैं, ही इज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो इस प्रकार से जो जो देश चले हैं आगे चल के क्रांतियों में उनका पतन हो गया है। उसके विपरीत भारत के अंदर प्राचीन भारत में जो राजा था उसके राज्याभिषेक के दौरान पुरोहित उसे 3 बार सिंबॉलिकली डंडे मारता, ये दिखाने के लिए कि भाई तू भी धर्म से ऊपर नहीं है। सो लाइक दैट आवर कंट्री एंड आवर किंग्स वो थियोलॉजिकल प्रकार की चीज़ नहीं थी, और इस कारण से हम सर्वाइव कर पाए हैं। उसी प्रकार यहाँ मिडल ईस्ट के अंदर जो राजा खलीफा के नाम पे, इस्लाम के नाम पे रूल करने के प्रयत्न किया, वर्ल्ड वॉर के बाद आप जानते हैं ऑटोमैन एम्पायर टर्की, उनका पतन हो गया। पाश्चात्य थिंकर्स वो ये समझते हैं कि कन्फ्लिक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस, लेकिन ये समझ के जो जो देश चले हैं चाहे वो पर्शिया, रोम, बेबीलोन, उन सब का पतन हो गया है। उसके सामने भारत, इतने सेंचुरीज ऑफ फॉरेन रूल एंड सो मैनी थिंग्स वी हैव सर्वाइव, क्योंकि धर्म के ऊपर हम जो धर्म का हमारा रिलीजन क्रूसेड इस प्रकार का अर्थघटन नहीं था। ग्राम सभा समिति, जनपद, ट्रेड गिल्ड, ये सभी लोग अपना अपना काम करते थे धर्म के हिसाब से, जो कि हमारा जो धर्म है वो गुड गवर्नेंस वगैरह की बातें जो मैंने आपको बताई। सो लाइक दैट धर्म इट इज़ वो फाउंडेशन में, उसके ऊपर सोसाइटी बनती है, राइट, उसके ऊपर नेशन बनता है, उसके ऊपर स्टेट बनता है, और सोसाइटी इट इज़ बिगर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल्स, और राजा और जनपद आने के पहले भी सोसाइटी तो थी ही, लेकिन फिर आगे सोसाइटी में थोड़ी विकृति आ गई, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब करने के लिए नेशन स्टेट, ये सब चीज़ें आई, बट बैक एंड में हमेशा धर्म ही है। खैर, तो हमने जो इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म और उसके बेस के अंदर धर्म वो बातें देखी, अब आगे आते हैं कि वन इंडिया और उसके बेस में धर्म कैसे। दीनदयाल का ये वन इंडिया के बारे में क्या ख्याल है दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब ये नहीं कि जो मेजोरिटी बोले वो धर्म है। फॉर एग्जाम्पल हिटलर ने फ्रांस के ऊपर आक्रमण कर दिया तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने सरेंडर कर दिया,
और फ्रांस की जनता को भी ये लगा कि ये सही है क्योंकि उससे लड़ाई में हम जीत नहीं पाएंगे। लेकिन एक आदमी वो इस मेजोरिटी के साथ सहमत नहीं था, चार्ल्स डी गोल। लंदन भाग जाते हैं, वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाते हैं और फ्रांस को वापस देश के रूप में आगे लाने में वो मदद करते हैं। तो मतलब कि मेजोरिटी जो कहे वो धर्म नहीं है। उसी प्रकार जब लोकमान्य तिलक ने कहा कि फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट, तो उस वक्त उन्होंने कोई SMS पोल उस पर नहीं कराया था कि मेरा बर्थ राइट क्या होना चाहिए। धर्म कहता है स्वतंत्रता आज़ादी होनी चाहिए, तो देयरफॉर, तो मतलब कि धर्म का मतलब जो जनता बोले, पब्लिक ओपिनियन बोले, वो धर्म नहीं है। अब वो उसे और रिफाइन करते हैं। सो इन दैट लॉजिक रेफरेंडम प्लेबिसाइट वो जो चीज़ कहे वो भी धर्म नहीं है। तो आगे चल के मान लो कि ये अलगाववादी वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर उनकी मेजोरिटी हो जाए और वो फिर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कराएं कि कश्मीर अलग देश होना चाहिए, पंजाब अलग देश, नॉर्थ ईस्ट अलग देश, तो इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का भी विरोध करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो धर्म, क्योंकि हमने देखा मेजोरिटी जो कहे, प्लेबिसाइट जो कहे, रेफरेंडम जो कहे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कहे, वो कोई कुछ भी कहे, नेशनल यूनिटी के खिलाफ जो चीज़ जाए दैट इज अगेंस्ट धर्म और उसका विरोध करना चाहिए, बिकॉज नेशनल यूनिटी इटसेल्फ इज धर्म। और इसके लिए अपने जो भी आंतरिक और बाहर के दुश्मन हैं उनके सामने लड़ने के लिए वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड, और उस प्रकार से डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सबको मजबूत करना चाहिए। सो व्हाट इज़ वन इंडिया? वन इंडिया का मतलब ये है कि नेशनल यूनिटी, उसको आप फोकस करें और उसके लिए प्रिपेयरनेस फॉर डिफेंस, और अगर ज़रूरत पड़े तो प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हो उसका विरोध करना, टू मेंटेन दिस, मेंटेन एंड प्रोटेक्ट दिस वन इंडिया, एक भारत, अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत। खैर, अब हम जवाब बनाने की कोशिश करते हैं। 2013 में जो प्रश्न था, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ जय जवान जय किसान, तो आप समझिए यहाँ राइट अ क्रिटिकल नोट, इसका मतलब ये नहीं कि लाल बहादुर शास्त्री के सामने द हिंदू कॉलमनिस्ट की तरह सब कुछ क्रिटिसाइज करना है, नहीं, केवल लिखना है कि ये क्या लिखा था, क्यों लिखा था, इस प्रकार से। तो अपना जो पहला प्रश्न था, क्रिटिकल नोट ऑन दीनदयाल्स आइडिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमेनिज्म एंड वन इंडिया, आपने जवाब लिखा होगा, नहीं लिखा तो वापस वीडियो पॉज करके लिख दीजिए, देन वी सी द मॉडल आंसर। जवाब कैसे कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन, तो ऑब्वियसली दीनदयाल का बायोडाटा, उस प्रकार से आप ओरिजिन दिखाए कि उन्होंने ये काम किया और फिर आगे बढ़े। पैराग्राफ वन में आप समझाइए कि इंटीग्रल ह्यूमेनिज्म क्या है, पैराग्राफ टू की ये वन इंडिया एक भारत ये क्या है, और कंक्लूजन में क्या। क्रिटिकल नोट है तो मतलब फाइंडिंग प्रकार का कंक्लूजन होना चाहिए, तो फाइंडिंग ये नहीं कि वो अच्छा बुरा था, फाइंडिंग हमने ये करना है कि उसके दिमाग में क्यों चल रहा था ये चीज़ और क्या उसका आज की तारीख में कोई सिग्निफिकेंस है क्या, तो उस प्रकार से कुछ कंक्लूजन हम करेंगे। सबसे पहले प्रश्न का इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, बायोडाटा देंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ही वॉज अ फिलोसोफर, जर्नलिस्ट, लीडर, भारतीय जनसंघ के, जो कि बीजेपी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था, और अपनी ये बुक्स, आर्टिकल्स, स्पीचेस के द्वारा दीनदयाल एडवोकेटेड फॉलोइंग। फिर आप फर्स्ट पैराग्राफ तो इंटीग्रल ह्यूमेनिज्म और सेकंड पैराग्राफ वन इंडिया ये समझाइए। एक और बात, यहाँ पर ओरिजिन तो बायोडाटा से ही लिखना है कि उन्होंने काम कहाँ से शुरू किया, ऐसा नहीं कि उनका जन्म यहाँ पर हुआ था, माँ का नाम ये था, बाप का नाम, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो अपनी बॉलिंग स्टेडियम के बाहर हो जाएगी। खैर, तो हमने ये उनका बायोडाटा दे दिया इंट्रोडक्शन में। अब अपना फर्स्ट पैराग्राफ, तो इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म समझाइए, ऋतिक रोशन, कट पेस्ट, मैन इज द हाईएस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड एंड ही इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, बट कि अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर वो रोल अदा करता है, तो यूजिंग धर्म एज अ फाउंडेशन, स्टेट, सोसाइटी, इकोनॉमी, उसने इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करना है ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ये आदमी अलग अलग इंस्टीट्यूट में अपने रोल्स को सस्टेन कर सके, यूनिफाई कर सके, कॉम्प्लीमेंट कर सके। और उसके कुछ एग्जाम्पल दीजिए, ये एजुकेशन में प्राचीन भारत की तरह फ्री एजुकेशन, टेम्पल एंट्री, अनटचेबिलिटी, और कंपनी में काम करते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्लीज वगैरह वगैरह, दैट इज़ ऑल इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। पैराग्राफ टू में आप वन इंडिया उसको समझाइए। देखिए, दीनदयाल को क्या लगता था कि आज़ाद भारत के अंदर कोई नेशनल आइडेंटिटी है नहीं, और ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म बहुत ज़्यादा है, सबको मिनिस्टर पावर बन जाना है, जिसके चलते भारत और भी कमज़ोर हो रहा है। सो वन इंडिया उसका मतलब है नेशनल यूनिटी एंड द प्रिपेयर्डनेस टू डिफेंड दैट नेशनल यूनिटी अगेंस्ट बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन एनिमीज, ठीक है। और उसके लिए अगर पब्लिक ओपिनियन, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी अपोज करना पड़े तो वो जायज़ है, इफ़ दे आर थ्रेटनिंग दिस यूनिटी ऑफ वन इंडिया। और भी आप देखिए ग्रामर में, दीनदयाल फियर्ड दैट पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया लैक्ड अ नेशनल आइडेंटिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड दिस थिंग वीकंड इट फर्दर। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आप देखिए, लैक्ड तो भूतकाल में है तो वीकंड वो भी भूतकाल में होना चाहिए। खैर, तो वन इंडिया का ये चीज़ हमने समझ लिया। कंक्लूजन, राइट अ क्रिटिकल नोट था, मतलब कि कंक्लूजन अपना फाइंडिंग प्रकार का होना चाहिए। अब फाइंडिंग में ऐसा नहीं कि दीनदयाल वॉज हीरो और विलन, अच्छा या बुरा, नहीं, फाइंडिंग इस प्रकार की होनी चाहिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था,
क्यों चल रहा था और उस जमाने में वो सातत्यपूर्ण रेलेवेंट था कि नहीं, तो इस प्रकार का कुछ बनाते हैं। देखिए दीनदयाल की जो भी ट्रीटीज या व्यूज हैं ऑन इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म एंड वन इंडिया, बेसिकली दे आर क्रिटिक टू द कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। वो दोनों रास्ते सही नहीं है, हमारा इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म उसका बेस धर्म होना चाहिए, हमने देखा। एंड अगेंस्ट द थ्रेट्स अप टू द नेशनल यूनिटी विच वेर प्रेवलेंट इन हिज एरा। देखिए वन इंडिया की वो बात क्यों करते थे, क्योंकि उस जमाने में उनको लगता था कि ये चीन और पाकिस्तान वो भारत को तोड़ देंगे, और ये नेहरू गांधी वो भी ये कश्मीरियों को और पाकिस्तानियों को और मुस्लिमों को अपीज करने के लिए प्लेबिसाइट वगैरह करा के वो भी अपने देश से चला जाएगा। सो ही वॉज कंसर्न विद दिस थिंग। तो जो भी उन्होंने थोड़ा कट्टरवादी हमको लगे, बट वो वन इंडिया वगैरह के ख्याल वो उनके दिमाग में ये सब चल रहा था, देयरफॉर ही हैड रिटन देम। एंड सेकंडली ही प्रोवाइडेड एन ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव फॉर पॉलिटिकल एक्शन एंड स्टेट क्राफ्ट। पॉलिटिकल एक्शन कौन सा वाला, कि कैपिटलिज्म कम्युनिज्म ये सब नहीं, हमारा कुछ और होना चाहिए। स्टेट क्राफ्ट तो वहाँ पर हमने धर्म के ऊपर से बना जो अर्थतंत्र है, राइट, एलपीजी रिफॉर्म्स वो सब कुछ जस्टिफाई है, इस प्रकार की उनकी जो इंटरप्रिटेशन था। ऑल दोज थिंग्स ही प्रोवाइडेड फॉर द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इमीजिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस। हमारा दूसरा प्रश्न पेपर फोर के लिए था कि आप धर्म का क्या मतलब समझते हैं और उसका आधुनिक भारत के निर्माण में क्या महत्व है। आपने लिखा नहीं हो तो वीडियो पॉज करिए और इसका जवाब लिखिए, देन वी विल सी द मॉडल आंसर। ठीक, देखिए डिफाइन करना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म धर्म, तो इंट्रोडक्शन में उसको डिफाइन ही करना पड़ेगा। तो हम दीनदयाल वाली डेफिनेशन ही कट पेस्ट कर देंगे विदाउट टेकिंग हिज नेम, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तो वही लिखना है पर अपने नाम से लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप वो बातें करिए कि आज़ाद भारत आधुनिक भारत का निर्माण में कैसे महत्व है, सेक्युलर कंट्री होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, मॉडर्निटी होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, SDG, ग्लोबलाइजेशन, LPG रिफॉर्म्स, जितना आपको मुद्दे जोड़ सके लिखिए। कंक्लूजन में क्या, कंक्लूजन में इस प्रकार से कि धर्म का अगर अर्थ हम वो क्रिश्चियनिटी और होली वॉर्स क्रूसेड टाइप का निकाले तो पतन होगा, लेकिन उसे एक वे ऑफ इंटीग्रेटेड लाइफ के रूप में देखे तो अच्छा अच्छा चीज़ हो सकता है, लाइक दैट यू कैन एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। करते हैं इंट्रोडक्शन में आपने करना था कि भाई डिफाइन करो व्हाट इज धर्म, सो इट इज नॉट रिलीजन बट एन इंटीग्रेटेड वे ऑफ लिविंग, इट टचेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हार्मनी चाहिए बिटवीन मैन एंड विथ मैन एंड मदर नेचर। फिर अपना पैराग्राफ, तो वहां पर आप लिखिए कि आधुनिक भारत के निर्माण में क्या महत्व है। सो यू राइट इंडियन फिलोसोफर्स हैव रिटन एट लेंथ अबाउट दिस धर्म राज्य, वो कैसा होना चाहिए, थियोक्रेटिक नहीं सेक्युलर होना चाहिए, इंक्लूसिव टॉलरेंट, ये सारी बातें हैं। और धर्म के ऊपर ही अर्थतंत्र है, तो वहाँ पर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, LPG रिफॉर्म्स, अगेंस्ट द इंस्पेक्टर राज वगैरह वगैरह वो भी जस्टिफाई है। और हमें हार्मनी चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, 73rd एंड 4th अमेंडमेंट, ताकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल बॉडीज, इन सब के बीच हार्मनी होनी चाहिए, तो वो धर्म के हिसाब से ही बात चल रही है। इंटरनल नेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड एवरीथिंग। और धर्म का मतलब कि आधुनिकता का, मॉडर्निटी का विरोध भी नहीं करना है, बट यूजिंग स्वदेशी टेक्नोलॉजी, हम मशीन भी इंपोर्ट करें तो आदमी को रिप्लेस करने के लिए नहीं बट उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, सो ऑन एंड सो ऑन, लाइक दैट इकोनॉमी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। कंक्लूजन, देखिए प्रश्न क्या था, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ धर्म इन मॉडर्न इंडिया बिल्डिंग, तो मतलब डिस्कस था तो जवाब समरी टाइप का होना चाहिए। तो पूरे कथा की समरी क्या है कि भाई अगर धर्म को इंटीग्रेटेड वे ऑफ लाइफ के रूप में देखा जाए, हार्मनी और कोऑपरेशन के हिसाब से तो अच्छा है, अगर रिलीजियस थियोक्रेटिक होली वॉर क्रूसेड उस प्रकार से देखा गया तो वो बुरा है। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ धर्म एज रिलीजन लीड्स टू कन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेटिज्म, लेकिन वेन धर्म इज सीन एज एन इंटीग्रेटेड एंड हार्मोनियस वे ऑफ लिविंग, इट प्रोवाइड्स फाउंडेशन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल इंक्लूसिव नेशन। ऑफकोर्स रियल लाइफ एग्जाम के अंदर इतना सब एडजेक्टिव के साथ अपने को याद नहीं आएगा, बट मारपीट की इसके आगे पीछे जो भी बात किया जाए कि धर्म वो अच्छा है इस प्रकार से देखने पर, लाइक दैट यू कंक्लूड, वो भी सही आंसर है। ठीक, तो इस प्रकार से आज़ाद भारत के अंदर राव और दीनदयाल को देख लिया। इसके बाद वाले लेक्चर में हम फॉर एग्जाम्पल राइट विंग विजिलेंटिज्म, तो काउ स्लॉटर वगैरह की बात चल रही है, तो उसके अनुसंधान में लेदर इंडस्ट्री, उसके लोकेशन फैक्टर, नेचुरल फाइबर इंडस्ट्री वगैरह वगैरह कुछ देखेंगे।